हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय माघ महीना है और माघ महीना 2 जनवरी 2018 से शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 जनवरी को माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है और यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह 2 जनवरी से हिंदू पंचांग के अनुसार कुछ बेहद पवित्र महीनों में एक माने जाने वाला माघ माह आ चुका है। भारतीय संवत्सर का ये 11वां चंद्रमास व 10वां सौरमास है। जनवरी माह के आखिरी की यानी 31 जनवरी को माघ पूर्णिमा के साथ ही यह माह भी समाप्त होगा। कार्तिक की तरह माघ माह में भी स्नान दान तप व उपवास आदि धार्मिक कार्यों का अत्यधिक महत्व है, जबकि यह पूरा महीना ही पवित्र माना जाता है। लेकिन इस माह में पड़ने वाली कुछ विशेष तिथियों पर अगर आप यह करते हैं तो यह अधिक लाभकारी होगा। वह इन तिथियों पर किए इन कार्यों से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी कर सकता है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि वह कौन सी वो शुभ तिथियां हैं। शटतिला एकादशी 12 जनवरी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने का सरलतम माध्यम है शटतिला एकादशी। शटतिला एकादशी पर तिल अथवा उससे बनी चीजों का दान, इससे पापों का नाश होता है। इस दिन काले तिल के दान का भी विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल स्नान, तिल जल पान तथा तिल पकवान का सेवन करने पर घोर से घोर पाप का नाश होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, तिलस्नायी तिलोद्वार्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाचाव तय षटतिला पापनाशान्य, अर्थात तिल का उबटन लगाकर जल में तिल मिलाकर स्नान करना, तिल से हवन करना, पानी में तिल मिलाकर स्नान करना, तिल से हवन करना, पानी में तिल को मिलाकर पीना, तिल से बने पदार्थों का भोजन करना और तिल अथवा तिल से बनी चीजों का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या यानी कि 16 जनवरी पुराणों के अनुसार अमावस्या तिथि के देव पितृ माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के नाम का शुद्ध शाकाहारी भोजन किसी जनेऊधारी ब्राह्मण को अर्पित करें, अगर संभव हो तो खीर भी अर्पित कर दें। अचला सप्तमी या रस सप्तमी यानी कि 24 जनवरी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, आरोग्य सप्तमी या पुत्र सप्तमी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठर को इस तिथि का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस तिथि पर स्नान दान, पितरों के तर्पण व सूर्य पूजा एवं वस्त्र आदि दान करने वाला बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। भीमाष्टमी यानी कि 25 जनवरी माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी नाम से जाना जाता है। महाभारत में कहा गया है, जो व्यक्ति माघ शुक्ल अष्टमी के दिन भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण जलदान आदि करेंगे उनके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाएंगे। माघ पूर्णिमा यानी कि 31 जनवरी माघ पूर्णिमा पर चंद्रदेव बरसाते हैं अमृत। इस तिथि पर स्नान और दान करने से सूर्य चंद्रमा युक्त दोषों से निजात मिलता है। सफलता हेतु दूध में मिश्री मिलाकर सफेद शिवलिंग पर अभिषेक करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।